नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपका हमारे क्लास के डे 4 में। तो आज हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने कोलगेट की ये ट्यूब हम लाते हैं ब्रश करने के लिए, उसका जो बॉक्स होता है वो लिया है यहाँ पे, और उसको ऐसे कट करके ले रही हूँ। अब इसका हम क्या बनाएंगे, तो इसका हम पेन स्टैंड बनाने वाले हैं। तो इसको एक वाइट पेपर से हमको कवर करके लेना है। आप ऐसा फेविकॉल की हेल्प से कवर करो इसको, आप देख सकते हैं इस तरह। और इसको कवर होने के बाद थोड़ी देर सूखने को रखो, इसकी वजह से निकलेगा नहीं। अच्छे तरह से उसको कवर करके लेना है। और हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाने के, वो भी आप ज़रूर देखना। और हमारा ये क्लासेस इसी के लिए है क्योंकि आपको नई नई चीज़ें बाय नहीं करनी है, सब कुछ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाने वाले हैं। उसके बाद ऐसा आपके घर में पेपर रहता है प्लास्टिक का, उसके ऊपर स्केच पेन का ऐसे इंक डालना है आपको। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ वीडियो में, तो हम देख सकते हैं इस तरह स्केच पेन सबके पास रहते हैं, उसको ऐसे डालना है हमको प्लास्टिक के पेपर पे। और प्लास्टिक के पेपर सबके घर में अवेलेबल होते हैं, साड़ी को आते हैं, ड्रेस को आते हैं कवर ऐसे प्लास्टिक के। तो इस तरह स्केच पेन का जो पिछला हिस्सा रहता है उसमें जो इंक रहती है उसको ऐसे लेना है। फिर ये बॉक्स बनाया था हमने, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालना है इस तरह, आप देख सकते हैं। और जो हमने इंक निकाल के लिए है वो उसके ऊपर फैला देनी है। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ उस पर ध्यान मत दो, वीडियो में जो मैं दिखा रही हूँ उस पर ध्यान दो, आपको समझ में आएगा सब कुछ कैसे करना है। आप देख सकते हैं इस तरह कितना अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और इसको बहुत अट्रैक्टिव बनाने वाली हूँ मैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इस तरह आप देख सकते हैं ऐसे सभी कलर, आपके पास जो कलर होंगे उससे आप ऐसे कर सकते हैं। सभी साइड के चारों साइड पर ऐसे करके लेना है आपको। आप देख सकते हैं बहुत इजी है। और हमारा आज क्राफ्ट का डे 4 है और आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, तो आपको आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको फास्ट सीखना होगा, तो मैं एक दिन में 10-15 चीज़ें आपको सिखा सकती हूँ। लेकिन आप पे भी ज़्यादा लोड नहीं आना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको सिखाई है, लेकिन मैं एक दिन में बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती हूँ आपको। और हमारे 5वें या 6 दिन में हम एक्सप्लोजन बॉक्स सीखने वाले हैं, तो हमारे क्लासेस ज़रूर देखो। मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँगी 9 बजे सुबह। आप देख सकते हैं हमारा वो बड़ी हुआ है, तो मैंने उसको धूप में सुखाने के लिए रखा है। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पेपर लिया है, कार्डशीट पेपर, और उसके ऊपर हर्ट शेप ऐसे कट करके ले रही हूँ। हमने हर्ट शेप कैसे कट करना है ये पहले ही दिन के क्लास में सीखा था। तो ऐसे हर्ट शेप कट करने के बाद एक पेपर जाड़ा वाला और उसके ऊपर हर्ट चिपका देने हैं। हम किसी को एक गिफ्ट दे सकते हैं, ये छोटा सा गिफ्ट है, गिफ्ट का वीडियो है। हमारा वो बॉक्स सूखने तक मैं आपको ये सिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ऐसे हर्ट बना के लेने हैं आपको छोटे छोटे कलरफुल। और कलरफुल पेपर नहीं होंगे तो हमारे सिंपल पेपर को कलरफुल बना सकते हैं आप स्केच पेन की हेल्प से। और उसके बाद मैंने यहाँ पे हर्ट चिपका दिए हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पेन लिया है ब्लैक मार्कर, और उसकी हेल्प से ऐसे उसको थोड़े से नीचे से वो धागे निकाल के ले रही हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह। और नीचे आप हैप्पी बर्थडे, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह नाम लिख सकते हैं आपको किसी को देना होगा। तो आप देख सकते हैं कितना छोटू सा कार्ड है, लेकिन कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है और कितना क्यूट दिख रहा है। आप ज़रूर ये अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो बर्थडे पे, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कितना क्यूट लग रहा है। आप ऐसे छोटे छोटे कार्ड्स बना सकते हो। तो यहाँ पर हैप्पी बर्थडे नाम लिखा है और हमारे कार्ड रेडी है। अब हमारा अभी तक वो बॉक्स सूखा नहीं है, तभी तक हम दूसरा हमारा आज का क्राफ्ट बना के ले रही है। और हमारे तीन हर्ट भी बाकी है, तो उसको कुछ तो बनाएंगे, वो फेंक के नहीं देंगे। इसने एक वाइट कार्डशीट पेपर लिया है और उसके ऊपर ऐसे चिपका दे रही हूँ ये हर्ट। आप देख सकते हैं ये 3D हर्ट हम बना रहे हैं, बहुत ईजी है, आप ये भी सीख सकते हो। आप देख सकते हैं इस तरह एक ही कलर के हमको 3 हर्ट्स लेने हैं और उसको एक के ऊपर एक चिपकाना है। आप देख सकते हैं कैसा चिपकाना है आपको। और आप देख सकते हैं हमारा क्यूट सा हर्ट कितना अच्छे से रेडी हुआ है, 3D हर्ट बोलते हैं इसको, और बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है ये, बहुत सिंपल है। और उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे दो उसके ऐसे वो जैसे बलून है वो हर्ट शेप, और इसको खाली एक बॉक्स निकाल के ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इस बॉक्स में आप मैसेज भेज सकते हैं किसी को, हैप्पी बर्थडे वगैरह ऐसे ही। तो ये बॉक्स भी हमारा रेडी है, मैं यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिख ले रही हूँ क्योंकि आपको भी समझ में आएगा कि ये कार्ड देने हैं हमको किसी को वगैरह, आप बना सकते हैं, इसलिए हैप्पी बर्थडे नाउ लिख रही हूँ। और अब हमारा वो बॉक्स सूख गया है, उसको मैं लाती हूँ। आप देख सकते हो कितना क्यूट बना है हमारा ये हर्ट शेप।
अब इसके बाद वो बॉक्स लाती हूँ, आप देख सकते हैं, और उस बॉक्स को हमको बहुत अट्रैक्टिव बनाने वाली हूँ मैं। यहाँ पे हमने ऑरेंज कलर लिया है, तो ऑरेंज कलर के ऊपर ऑरेंज कलर के स्केच पेन से हमको इसे ड्रॉ करना है। हमारे रोज़ फ्लावर रेडी हो जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है ये, आपको बहुत पसंद आएगा इसी में। आई थिंक आपको बहुत पसंद आएगा ये चीज़। आप देख सकते हैं इस तरह हमको रोज़ फ्लावर बना के लेने हैं। अब ग्रीन के ऊपर ग्रीन ऐसे करना है हमको, जो कलर है उसके ऊपर वही कलर से हम ऐसे करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से रेडी हुआ है हमारा रोज़ फ्लावर, कितना क्यूट लग रहा है, आप भी देख सकते हैं। हमारा क्यूट सा रोज़ फ्लावर भी रेडी हुआ है, और सभी जगह आपको ऐसे करके लेना है, और हमारा पेन स्टैंड रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने सभी रोजेस पे ऐसे करके लिया है, कितना क्यूट दिख रहा है। आपको कौन सा कलर ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो लाइट ब्लू वाला अच्छा लग रहा है बहुत, और इसमें हम पेन रख सकते हैं। ऐसे ही हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट सीखेंगे, और आज के क्लास में हम इतना ही सीखेंगे, नेक्स्ट 2-3 क्लास में भी ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद हम चीज़ें बनाना सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के हमारे क्राफ्ट के क्लास में। बाय बाय।